अच्छा उजबेकिस्तान का जो दौरा है वजीर अजम साहब जो हमारे उन्होंने वहां पर जाके क्रिकेट की बात करनी शुरू कर दी और दूसरी तीसरी जो जहरुद्दीन बाबर साहब जहरुद्दीन बाबर के साथ फिल्म की बात करनी शुरू कर दी आपको अकल को हाथ मारे आप आप कर क्या रहे हैं जय हिंद दोस्तों मोदी देश में आपका स्वागत है दोस्तों आज पाक मीडिया इमरान खान के उज्बेकिस्तान के दौरे के बारे में बात कर रहे हैं पाक मीडिया रो रहे है कि इमरान खान का दौरा नाकाम हो गया क्योंकि इमरान खान को डिप्लोमेसी करना नहीं आता तो इमरान खान की गलती की वजह से ही पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के रिश्ते अब अच्छे होने के कोई आसार नहीं है और इमरान खान ने जो उज्बेकिस्तान में जाके नौटंकी की, की उस पर भी पाक मीडिया बहुत ही नाराज है और बहुत ही रो रहा है पाक मीडिया कह रहा है कि इमरान खान को कोई डिप्लोमेसी सिखाए और इमरान खान की जो हरकत है उसे देख के लगता नहीं कि इमरान खान को कोई डिप्लोमेसी भी सिखा सकता है दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो हैं वजीर आजम साहब उजबेगिस्तान के दौरे पर हैं इनतहाई अहम नोत का दौरा है वजीर आजम साहब के दौरे को किस तरह से देख रहे हैं क्योंकि उजबेस्तान के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक्लु को बढ़ाने पर और ताउन को बढ़ाने पर भी बात हुई है और मजबूत तजारती शरात दारी पर भी बात हो रही है बहुत से मनसूबों पर दस्तखत भी हुए हैं अच्छा उजबेस्तान का जो दौरा है उसके मकासद कुछ और थे लेकिन वजीर आजम साहब जो हमारे बिल्कुल सियासत से और सफारत से फारग हैं उन्हें पता नहीं चलता कि वो उनसे क्या समरात समेटेंगे उन्होंने वहां पे जाके क्रिकेट की बात करनी शुरू कर दी और दूसरी तीसरी जो बाबरुद्दीन हल... बाबर साहब बाबर की की साथ के साथ फिल्म की बात करनी शुरू कर दी आप अकल को हाथ मारें आप कर क्या रहे उजबेकिस्तान के फोरम का जो असल ताल्लुक है वो अफगानिस्तान के साथ है अफगानिस्तान के अंदर जितने हालात ख़राब हैं जितनी वहाँ पे खाना जंगी हो रही है और जितने ग्रुप माइनवाल्व हैं आमतौर पर तो ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे तालिबान हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं जबकि वहाँ पे सात ग्रुप इस वक्त नबर्द आज़मा है एक दूसरे के साथ रशीद दोस्तम अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद अब्दुल ग़नीस जो कामरान जई इसमाल खान अब्दुलबीर साहब ये तमाम वो लोग हैं जो वार हैं और जो एक दूसरे के साथ बंदूकें उठा के अपने ही अवाम को मार रहे हैं ऐसे हालात में अफगानिस्तान के साथ आप ताल्लुक कैसे ठीक रखेंगे वहां पे हालात को कैसे काबू करेंगे असल मकसद इसका उजबकिस्तान के अंदर ये था उसको उनको समझ नहीं आई और उन्होंने कभी वो फिल्म की बातें करना शुरू कर दी कभी क्रिकेट की बातें करना शुरू कर दी आपको पता नहीं चलता कि आप किस तरीके से 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 लेकिन लेकिन अफगानिस्तान अफगानिस्तान के के हवाले हवाले भी बात हुई नया ब्लॉग बनाने की बात की बात जा रही नया है नया ब्लॉग बने होगा उस ब्लॉग के अंदर पाकिस्तान होगा ईरान होगा उजबेकिस्तान होगा ताजकिस्तान होगा तुर्की होगा उसमें चाइना नहीं होगा अहम बात यह है कि चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के बगैर वो ब्लॉक कैसे इफेक्टिव होगा जबकि अफगानिस्तान का बॉर्डर चाइना के साथ भी लगता है और अफगानिस्तान में होने वाली हर तबाही और हर तब्दीली का बर रास्त असर चाइना पे और सीपैक पे और पाकिस्तान के ऊपर होगा आप ये देखिए कि अफगानिस्तान में जैसे हालात पैदा हो रहे हैं आपके ताल्लुक तालिबान के साथ या अशरफ गनी गवर्नमेंट के साथ या वहाँ पे तमाम जो वॉलॉर्ड्स के हैं उनके साथ मुतवाजन होने चाहिए बगैर इन्वालमेंट के बगैर डिक्टेशन के आप सफारतकारी सीखें दुनिया से सीखें आप बरतानिया से सीखें चाइना से सीखें अपने हमसायों से चाहे वो आपके दुश्मन ही क्यों न हो आप सफारतकारी सफारत नाम है आप एक ताकत है आपने दुनिया में यानी की सफारतकारी में तोन नजर नहीं आ रहा वहाँ जाकर अफगानिस्तान के हवाले से बहुत सी पॉलिसीज को वाजे करना था चले दोस्तों इस वीडियो में बात करते है तो पाक मीडिया ने सही कहा की उजबेकिस्तान में इमरान खान की खिल्ली उड़ी क्योंकि इमरान ख़ान को डिप्लोमेसी करना नहीं आता और उजबेकिस्तान में इमरान खान ने जो नौटंकी की उसकी कहानी मैं आपको सुनाता वो तो आपको भी थोड़ा मजा आएगा तो पहले इमरान खान ने झूठी खबर फैलाई कि उसने भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर से हाथ मिलाने से मना कर दिया तो उसके बाद ट्विटर में लोगों ने इमरान खान की खिल्ली उड़ाई ये कह के कि जैसे अमेरिका के बारे में इमरान खान ने झूठ कहा था कि अमेरिका ने पाकिस्तान से मिलिट्री बेसिस मांगे थे और इमरान ख़ान ने मना कर दिया तो इस पर भी इमरान ख़ान झूठ कह रहा है कि भारतीय विदेश मंत्री से इमरान खान ने हाथ मिलाने से मना कर दिया क्योंकि भारतीय विदेश मंत्री ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं और ना ही उन्होंने इमरान खान से हाथ मिलाने की कोशिश की तो इस पर इमरान खान पूरा एक्सपोज हो गया ट्विटर पे और दूसरी चीज़ इमरान खान ने कही कि पाकिस्तान उज्बेकिस्तान को क्रिकेट खेलना सिखाएगा और पाकिस्तानी क्रिकेट का क्या हाल है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है पाकिस्तानी क्रिकेट पहले ही खस्ता हाल है तो उस उजबेकिस्तान को क्या सिखाएगा और तीसरी चीज़ जो इमरान खान ने कही कि पाकिस्तान और उजबेकिस्तान मिल के बाबर के जीवन पर फिल्म बनाएंगे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की क्या हालत है ये भी आपको पता होगी पाकिस्तानी खुद पाकिस्तानी फिल्में नहीं देखते तो उस उजबेकिस्तान के लोग कहाँ से देखेंगे वो भी बाबर पर बनी फिल्म और चौथी चीज़ जो इमरान खान ने कही इमरान खान ने उस बेकिस्तान के लोगों को कहा कि इमरान ख़ान को उस बेकिस्तान के इतिहास के बारे में उस बेकिस्तान के लोगों से ज़्यादा पता है तो ट्विटर पे इस पर लोगों ने इमरान खान का मजाक उड़ाया ये कह के कि इमरान खान ने तो जियोग्राफी के बारे में कह के जर्मनी और जापान के बॉर्डर को एक साथ मिला दिया था तो उसका हिस्ट्री क्या होगा ये भी आप सोच ही सकते हैं तो इस पे भी लोगों ने ट्विटर में इमरान खान की खिल्ली उड़ाई तो ऐसे ही इमरान खान का दौरा था उजबेगिस्तान का तो आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इमरान खान को डिप्लोमेसी नहीं आती और इसीलिए इमरान खान ने सबके सामने उज्बेगिस्तान में पाकिस्तान और अपना मजाक उड़ाया और इमरान खान को कोई डिप्लोमेसी नहीं सिखा सकता क्योंकि इमरान खान को लगता है कि उसे सब पता है तो देखते हैं कि क्या होता है फ्यूचर में दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू वेरी मच